जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, पहले तो जितने भी बच्चे जिन्होंने आज मुझे बर्थडे विश किया उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे बच्चों ने रात को भी बहुत सारी स्टोरियाँ लगाई है, इंस्टाग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी, हेल्पलाइन ने भी। जितने भी बच्चों ने शुभकामनाएं दी उन सबका बहुत बहुत हृदय की अंतर्मन गहराई से आप सभी का धन्यवाद लाड लूँ कि आप सभी के प्यार मोहब्बत के कारण ये चेहरे की चमक अभी तक बनी है और शायद आगे बनी रहेगी। आप लोगों का प्यार ऐसे आता रहा तो साथ ही जितने भी मेरे लाडले स्पेशली एसएससी जीडी वाले उन सभी को आज के इस वीडियो में सावधान करने के लिए आया हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये गलतियाँ बहुत सारे बच्चे पहले भी कर चुके हैं। एसएससी जीडी 2021, एसएससी जीडी 2018, एसएससी जीडी 2015, हर एक ऐसी वैकेंसी, एसएससी कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं रही जिसमें बच्चों ने ऐसी गलतियाँ नहीं की। और फिर बाद में जब गलती करने के बाद फिर हमारे पास में या तो खुद आते हैं नहीं तो उनके कॉल आते हैं। इसीलिए आपको सावधान करने के लिए आया हूँ। आप जितने भी बच्चे जो एसएससी जीडी 2023 का ड्रीम देख रहे हैं उन सभी को बता दूं, पहले तो ये वैकेंसी काफ़ी बड़ी होने वाली है क्योंकि आप सभी को पता है एसएससी ने 70,000 वैकेंसियाँ और ऐड कर दी है एसएससी में, तो उनमें से ज़्यादातर जो हिस्सा ऐड होगा वो एसएससी जीडी में ऐड होगा। तो लगभग ये मान के चलिए कि 80,000 के आसपास की वैकेंसी रहने वाली है इस बार आपको एसएससी जीडी का। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है आप सबको बता दूँ ये वैकेंसी 23 फरवरी 2023 में आएगी। फरवरी 23 डेट फिक्स नहीं बता रहा मैं आपको, ये मान के चलिए फरवरी 2023 में ये वैकेंसी आएगी। अब जितने भी बच्चे एलिजिबल हैं उन सभी के लिए या जो चाहते हैं, एक चीज़ और, हाँ इसमें टीओडी नहीं है भाई, ट्यूर ऑफ ड्यूटी के अंतर नहीं आएगी। इसमें एक बार लग गए तो पक्की नौकरी है। अग्निवीर नहीं बनोगे, या तो बीएसएफ वीर बनोगे या सीआरपीएफ वीर बनोगे या सीआईएसएफ वीर बनोगे, लेकिन वीर पक्के बनोगे। एक चीज़ और बता देता हूँ आप सभी के फायदे की चीज़, जितने भी बच्चे ऑल इंडिया वीकली लाइव टेस्ट रखा गया, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीजीएल टायर 2 की, उन सभी के लिए ओलिव बोर्ड की तरफ से लिंक दिया है, बिल्कुल फ्री है। तो फ्री में भी अगर आप मजा प्राप्त नहीं कर सकते फिर तो आप तैयारी नहीं कर सकते। ये लिंक मैंने नीचे दिया डिस्क्रिप्शन में, 25 और 26 जून को बिल्कुल लाइव टेस्ट है, बिल्कुल फ्री, तो आपको इसका आनंद जरूर लेना चाहिए भाई। अब आते अपने टॉपिक पर, सावधान कैसे करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, एक तो स्पेशली जो मुख्य गलती है उससे इसके बाद में मेन गलती पे आऊँगा, एक नॉर्मल गलती है डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट्स बनाने में लापरवाही बरतते हैं जबकि एसएससी जीडी की जो नोटिफिकेशन आती है उसमें साफ लिखा रहता है कि आपके टोटल डॉक्यूमेंट जितने भी, जैसे डोमिसियल हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या और भी जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं वो सभी आपको एसएससी जीडी वैकेंसी अगर फरवरी में आ रही है तो उससे पहले के होने चाहिए। तो जो भी 12th पास बच्चे हैं उनको ये डॉक्यूमेंट्स उसी समय बना लेने चाहिए या वैकेंसी से 2-3 महीने पहले। ये तो एक नॉर्मल सा। अब सावधान किस लिए करने आया हूं वो देखिए। सावधान इसलिए करने आया हूं कि बच्चों आप सभी ध्यान रखना, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में टीओडी आ गई। टीओडी आने के कारण एक तो इसका एज क्राइटेरिया 17.5 साल से लेकर 23 साल कर दिया इस साल। और आप सभी को बता दूं कि एसएससी जीडी का भी एज क्राइटेरिया सेम है, 18 से 23। यानी जो बच्चा नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की तैयारी करेगा वो एसएससी जीडी की तैयारी भी करेगा और इस बार तो पक्का करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसमें स्थाई वीर बनेगा, अग्निवीर नहीं, अग्निवीर बनेगा इसके तहत। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको स्थाई वीर बनना है और उनको ऐसा लगता है कि अग्निवीर के बजाय सबसे बेटर ऑप्शन एसएससी जीडी को वो देख रहे हैं और वो बच्चे अभी से तैयारी कर रहे हैं इसकी। अब जो बच्चे, इनकी क्या है कि वैकेंसी हर 3rd महीने अब शुरू हो गई, आप सभी को पता है एयरफोर्स का तो 24 जुलाई को एग्जाम भी है। तो जितने भी बच्चे हैं जो इनकी तैयारी करेंगे इनके हर 3rd महीने कॉम्पिटिशन आएगा अब, तो इनकी तैयारी लगातार चलती रहेगी। लेकिन जो बच्चा केवल एसएससी जीडी को टारगेट कर रखा है वो सोचेगा अभी तो भर्ती आई नहीं, जब आएगी तब तैयारी कर लूंगा। लेकिन बेटा जब तुम भर्ती आएगी तब तक तैयारी करोगे ना, तो यहाँ पर जो अग्निवीर है ना, ये जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, वो मैथ भी पढ़ रहे हैं, रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं, जीके भी पढ़ रहे हैं, एक हिंदी पढ़ के वो तुम्हारे से कई ज्यादा नंबर लेके आ जाएंगे, तो तुम्हारा नंबर नहीं आ पाएगा फिर। इसीलिए इन अग्निवीर के साथ ही जो एसएससी जीडी टारगेट कर रखा है जिनके 10th में 45% से भी कम नंबर है वो सभी बच्चे, साथ ही अगर वो ओबीसी, कोई बच्चा ओबीसी, एससी या एसटी से हैं जिनकी एज 26 साल या 28 साल तक है, वो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी आज से ही शुरू कर दे। हमारा, मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी का पहला गारंटी बैच 200 बच्चों का कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड बैच के एडमिशन चल रहे हैं जितने भी बच्चे एसएससी जीडी के। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आप अकेडमी के प्रचार के लिए बोल रहे हैं, नहीं ये अकेडमी में तो मैं प्रचार, आप वीडियो देखोगे, वीडियो मेरे लाखों बच्चे देखते हैं, अकेडमी में 200 बच्चे हैं एसएससी जीडी के, क्या सारे आते हैं? नहीं। मैं भले आप हमारी एप्लीकेशन पे बिल्कुल मिनिमम यानी 400 रुपये में आपको एसएससी जीडी का पूरा कोर्स है आप वहां से पढ़ लीजिए, 400 रुपये में क्या आता है?
तो 400 रुपए में पढ़ लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पढ़ते रहिए। इस चक्कर में मत रहना कि एसएससी जीडी का कंपटीशन इस बार पोस्ट ज्यादा आएगी तो कम होगी, नहीं, कंपटीशन और ऊपर लेवल पे चला गया है अग्निवीरों के कारण। अब ये दिल लगा के पढ़ रहे हैं, और स्पेशली इसमें जो 21 साल से 23 साल का ये बहुत मेहनत कर रहा बच्चा, क्यों, इसके पास में अग्निवीर का केवल एक ही साल है, तो ये इसमें ट्राई करके सीधा एसएससी जीडी में एंट्री करेगा और बहुत ही शानदार तैयारी के साथ करेगा, तो आपको बहुत पिछाड़ देगा। तो जितने भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशली हमारा भी सेकंड बैच एसएससी जीडी का और अग्निवीर का 1 जुलाई से शुरू हो रहा है ऑफलाइन बैच। अकेडमी आप सभी को पता है कि हमारी अकेडमी कुचामन सिटी राजस्थान में है। जिन बच्चों को अकेडमी में आना चाहिए वो अग्निवीर का जो गारंटी बैच है उसमें भी सेम फीस है 1,30,000 रुपये, सिलेक्शन नहीं होने पर 50,000 रुपये रिटर्न है, हॉस्टल चार्ज आपका कटेगा 1 साल तक, ठीक है। इसमें आप हमारी फीस का फायदा ये है कि इस एक फीस में आप सब की तैयारी कर सकते हैं, नेवी, अगर आपको नेवी करनी है नेवी की कर सकते हो, एयरफोर्स की कर सकते हो, आर्मी की कर सकते हो, दिल्ली पुलिस कर सकते हो, एसएससी जीडी कर सकते हो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल कर सकते हो, सीपीएसआई कर सकते हो, यानी एक ही फीस में आपको अलग अलग कोई फीस जमा नहीं करानी, एक फीस में ये सारी तैयारी आप कर सकते हो, कोई भी अलग चार्ज जमा नहीं करना, यानी एक फीस में सारी तैयारी। तो जितने भी बच्चे करना चाहते हैं तैयारी, मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए, या तो आप जाके देख सकते हो चैनल पे, नहीं तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ इस पे आप कॉल कर सकते हैं, 9955685177, ठीक है। इसके अलावा 9588108 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 1 जुलाई से सेकंड बैच शुरू होगा और अग्निवीर का पहला बैच शुरू होगा गारंटी बैच, सिलेक्शन नहीं तो फीस वापस, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं जो अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं या एसएससीडी की तैयारी करना चाहते हैं वो बच्चे अकेडमी आ सकते हैं, नहीं तो आप एप्लीकेशन कमांडो अकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है वहां से तैयारी कर सकते हैं। और चाहे मेरे भले ना अकेडमी आओ ना एप्लीकेशन पे आओ, लेकिन कहीं से भी करो लेकिन तैयारी करो, ऐसे नंबर नहीं आएगा एसएससीडी वालों, सोच लेना भाई तुम। अभी बोलेंगे बाकी बच्चे सर ऐसे जीडी वालों को इतना प्राथमिकता क्यों, ये मेरे लाडले भाई सर उससे जुड़े हुए हैं, तो इन बच्चों स्पेशली ध्यान रखना आप, क्योंकि अग्निवीर है ना ये बहुत तैयारी करने लग गए, देश में विरोध चल रहा था लेकिन अब सारे अग्निवीर बनने के लिए तैयार है, समझे बात को, वो विरोध जो अग्निवीर पीओडी का नहीं था, विरोध था आर्मी पेपर का, बाकी सब अब अग्निवीर बनने के लिए तैयार है, फॉर्म देखना कितने भरे जाएंगे, तो इसलिए ये तैयारी कर रहे हैं। और तुम ढीले पड़े हो कि हम बाद में कर लेंगे, बाद में कुछ नहीं होगा बेटा, जो होगा अभी होगा। जय हिंद, जय भारत।